feels like I can't describe the feeling, like top of the world. पर ऑक्शन के दिन काफ़ी नर्वस था, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। और जब सिलेक्ट हुआ तो हम रणजी ट्रॉफी के लिए क्वारंटीन में थे हरियाणा में, तो सिलेक्ट होने के बाद में सारे टीममेट्स बाहर आए और आवाज़ कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। और पापा मम्मी पापा का फ़ोन आया तो भी काफ़ी खुश थे, काशी सर का मैसेज आया था कि वेलकम टू दिस CSK फैमिली ऐसा ऐसा, तो बेस्ट टीम में सिलेक्ट हुआ है और अच्छा कर। फर्स्ट टाइम मैं माई भाई को बॉलिंग डाल रहा था तो मैं इतना उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा देखा है कभी, पास में से देखा नहीं है तो मैं उनके सामने नहीं देख पा रहा था आँखों में, जस्ट बॉल डाल के बॉल लेके वापस पीछे जा रहा था। तो ऐसे बहुत दिनों तक डाला मैंने बॉलिंग और अच्छा डाल रहा था। और फिर माई भाई ने एक दिन मुझे मुंबई में मतलब नेट ख़त्म होने के बाद बुलाया था, तो वो मोमेंट मेरे लिए मतलब मुझे अभी भी ऐसे गूज़बम्प्स आते कि क्या था वो। मतलब प्रैक्टिस मैचेस भी खेले तो माई भाई को मैंने 2-3 बार आउट किया था, तो वीडियो मैंने संभाल के रखे, ऐसे देखता हूँ कभी कभी। बाकी कोचेस वगैरह राजीव सर ऋतु भी अच्छा सपोर्ट किया मुझे, वो भी साथ में था तो बता रहा था कि कैसा करना है क्या करना है, तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया। और अंबाती भाई सब ने अच्छा किया, बताया कि अच्छा डाल रहे बॉलिंग यही करता रहे। जड्डू भाई से उनके बाद फील्डिंग का, और वो इतने मतलब फील्ड के इस फील्ड में इतना एथलेटिक है तो काफ़ी चीज़ें उनसे सीखना चाहूँगा। मेरी सिस्टर है जो, मैं पहले पुणे में अकेला ही रहता था एक अपार्टमेंट में, तो उसके बाद मेरी दीदी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, रोज़ सुबह शाम खाना, मुझे मेंटली और फिज़िकली कभी कभी मैं ऐसे सोता रहता था आज कुछ नहीं करना ये नहीं करना, तो वो आके मुझे बताती थी कि ऐसा नहीं होता है तुझे करना पड़ेगा मेहनत, तो वो बता बता के मुझे कभी कभी फोर्सफुली ग्राउंड पे भेजती थी जब मूड नहीं रहता था। तो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसको मैक्सिमम यूज़ करना है और टीम के लिए 100% देना है जितना हो सकता है उतना।